नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं होली पर्व के बारे में, लेकिन होली पर्व किस दिन मनाया जाता है? होली पर्व पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, जिस दिन सभी लोग एकत्र होकर अपने परिवार के या फिर अपने ही पड़ोसियों के घर जाकर रंगों से होली खेलते हैं। उससे एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होली के रंगों से खेला जाता है, उसी को होली पर्व कहते हैं। लेकिन कौन सा रंग आपकी राशि के अनुसार आप पर सूटेबल है, जानिए इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, मेष राशि। जिस भी व्यक्ति की मेष राशि है तो वह अपने लिए कलरों का चुनाव अच्छे से करें। गुलाबी, हरा और पीला, ये कलर उनके लिए बहुत अच्छे हैं। यदि वह होली के दिन इन कलरों को लगाते हैं या दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी इन्हीं कलरों से उनका स्वागत या होली की मुबारकबाद देते हैं तो उनके जीवन में सौभाग्य आएगा। और कोशिश ये करें कि वह लाल रंगों से दूर रहें, क्योंकि लाल रंग उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। नंबर दो, वृषभ राशि। जिस भी व्यक्ति की राशि वृषभ है, वह व्यक्ति अपने तनाव को दूर करने के लिए कलर गुलाबी, हरा या फिर हल्के ही कलर यूज करें। कभी भी डार्क कलर का यूज ना करें और होली के दिन तो खासकर आप डार्क कलर का यूज ना करें, क्योंकि ये कलर आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप हल्का कलर ही यूज करें। नंबर तीन, मिथुन राशि। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो वह भी खास कर ख्याल रखें कि अपने लिए वह हरा कलर, गुलाबी, नारंगी और पीले कलर का ही यूज करें, क्योंकि ये कलर उनके लिए जीवन में उत्सुकता की भावना लेकर आएंगी और उनके जीवन में खुशियां ही भर देंगी। नंबर चार, कर्क राशि। यदि आपकी राशि कर्क राशि है तो आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, या फिर एग्जाम हो या फिर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वह आपके लिए बहुत शुभ माने जाएंगे। ये होली आपके लिए बहुत अच्छी, खास और मानी जाएगी। यदि आप गहरे रंग का यूज ना करें, आप कोई सा भी कलर यूज करें लेकिन हल्के कलर यूज करें। होली पर खास कर ख्याल रखें कि आप गहरे कलर का यूज ना करें, क्योंकि ये होली आपके लिए अच्छे और सौभाग्य लेकर आएगी। नंबर पाँच, सिंह राशि। यदि आपकी राशि सिंह राशि है तो यदि आपका मन अशांत है तो उसे शांत करने के लिए इस होली पर आप हल्के कलर लें और अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से आपके घर में बहुत खुशियां आएंगी और आपका मन भी शांत रहेगा। नंबर छह, कन्या राशि। यदि आपकी राशि कन्या राशि है तो आप इस होली पर फिजूल खर्ची ना करें, यानी कि आप ज्यादा खर्चा ना करें और अपने लिए हरा कलर या फिर हल्के कलर का ही यूज करें, और जो डार्क कलर होते हैं उन कलर का यूज ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन पे गलत प्रभाव पड़ सकते हैं। वैसे तो आपके लिए लाल रंग बहुत ही उत्तम माना गया है, यदि आप इस होली पर लाल कलर का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर सात, तुला राशि। यदि तुला राशि है आपकी तो उसके लिए आप गुलाबी कलर का ही यूज करें, क्योंकि गुलाबी कलर आपके लिए बहुत अच्छा भी है और यह कलर आपके लिए सुटेबल भी है। और यदि आप अपने घर बनवाने के लिए या फिर किसी कारोबार को लेकर चिंतित हैं तो आप गुलाबी कलर का यूज करने से। नंबर आठ, वृश्चिक राशि। यदि आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो अपना मन इधर उधर ना भटकाएं, क्योंकि इस राशि के लोग ज्यादातर अपने मन को इधर उधर भटकाते रहते हैं, क्योंकि इनका कोई भी निर्णय अपना नहीं होता, ये हमेशा दूसरों की तरफ ही चलते हैं। यदि आप इस होली पर आसमानी और लाल कलर का यूज करते हैं तो यह आपको एकत्र होने की संभावना बताता है और आपका निर्णय लेने में भी आसानी होगी। और नंबर नौ, धनु राशि। यदि आपकी राशि धनु राशि है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि आप चिंता मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा चिंता इसी होली पर खत्म हो जाएगी। यदि आप नारंगी और गहरा गुलाबी कलर यूज करते हैं इस होली पर्व पे तो आपकी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। नंबर 10, मकर राशि। यदि आपकी राशि मकर राशि है तो अपने मन को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको होली पर्व पे सबसे अच्छे उपाय मिलने वाले हैं। यदि आप हरा रंग यूज करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा, और कोशिश करें कि सबसे ज्यादा गहरे रंग और पक्के और भड़कीले रंग का यूज ना करें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी पर प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 11, कुंभ राशि। यदि आपकी राशि कुंभ राशि है तो आप इस होली पर भूरा और हरा रंग यूज करें, क्योंकि ऐसा यूज करने से आपके घर में बहुत सारे अच्छे और सौभाग्य वाले दिन आएंगे, आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। और आप कोशिश करें, क्योंकि फिजूल खर्च हो सकते हैं, तो कोशिश करें आप इस दिन कोई भी खर्चा ना करें। नंबर 12, मीन राशि। यदि आपकी राशि मीन राशि है और आपकी विवाह होने वाला है या फिर इस वर्ष, तो उसके लिए आपका सबसे अच्छा माना जाता है पीला रंग। यदि आप पीला रंग यूज करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और आपकी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। कोशिश करें आप काले रंग से दूर रहें इस होली, क्योंकि यह रंग आपके जीवन पर गलत प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो ये है वह कलर, यदि आप राशि के अनुसार इन कलरों का यूज करते हैं तो यह आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएंगे। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।